क्योंकि नाराज से यार और आज सही जिस तरह बंदा गमगीन होता है ना वो मतलब के हमारा आज दिलों का हाल है। इससे पहले एक दिन डॉक्टर साहब ने दावत की थी तो उन्होंने कहा था कि जो लोग नए आते हैं उनकी दावत की जाती है, जाने वालों की कम ही करता है। तो आज ये दूसरा मौका है कि हम जो हमसे जुदा हो रहे हैं उनकी मतलब दावत कर रहे हैं और बहुत सारे लोग करना चाह रहे हैं। ये एक बड़ी खुशाइन बात है और ये हमारे जो साथी नए आए हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि देखें कि कितना प्यार इन्होंने हमें दिया। सर्विस तो देखो करनी होती है ना, काम तो निगल ही सारे करवाते हैं ना, पानी का तो काम होता नहीं है। तो कितना जब भी जाएंगे और हर बंदे के मतलब दिल में जो है वो यही है अल्लाह पाक उनको तरक्की दे, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। बड़ा बहुत बड़ा इनाम होता है जब इस दुनिया में देखो जाना तो है ना सामने, तो ये कहेंगे आप कितना अच्छा इंसान है। तो अल्लाह पाक वो निकियाँ लिखते हैं जब भी बंदा अच्छा नाम होता है तो अल्लाह पाक इनको मजीद तरक्या अदा फरमाए। एक छोटा सा वाक्य बयान करूँ उसके बाद मेरे ख्याल में 7 बजे एक तरफ दस बजे तक नहीं, जब 14 अगस्त था 2 साल पहले या 1.5 साल पहले वो 2 साल हो गए कबीर साहब बैठे हुए थे टेबल पर, मुझे कान में कहते हैं कि यार कि हम फंड का पूछ करें क्योंकि बहुत सब जरूरत है, पाकिस्तान ने ऐलान भी कर दिया है मोहम्मद डैम का और बादशाह डैम का, तो गवर्नमेंट की जो हालत है वो पता है आपको, तो सारे मिलकर क्यों ना करें, आज आप ऐलान कर दें। मैंने सोचा कि बगैर पूछे ऐलान करना ठीक नहीं है, पर शौकी साहब से बात हो गया ठीक है ठीक है, और दो दोस्तों से बात नहीं होता भी ठीक है, ऐलान हो गया। पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमने वो प्रोग्राम किया। फिर आ गया पैसे भेजने का, इन्होंने इतना साथ दिया हर तंजीम का हर मसाजिद के साथ, जब भी किसी ने कहा ये मैं आता हूँ ये मैं करता हूँ ये कौन है, इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए, लगता था कि एम्बेसडर यही है। तो हम यकीन करें एम्बेसडर समझने भी नहीं, जो बंदा काम करता है जो हर बनाता है रात को फोन करो दिन को करो जी ठीक है जो सब कोई बात हो जाएगा, हर वक्त यही कभी लेट या ना तो सॉरी बता। तो बस मैं आखिर में आपको दुआ दूंगा और आने वाला साथियों का वेलकम करूँगा।